हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप दो फोटो को कैसे ऐड कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से, वो भी बिना किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड किए हुए। ना ही आपको कोई बैकग्राउंड इरेजर डाउनलोड करना है, ना ही कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, तो बहुत ही आसान है। तो पूरा वीडियो को देखें शुरू से लेकर लास्ट तक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के सामने एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। यह बिल्कुल फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। तो सबसे पहले तो आपको फ़ोटो डाउनलोड कर लेना है दो, जो आपको एडिट करना है, और आपको एक अच्छा सा बैकग्राउंड। और उसके बाद आपको एक ब्राउज़र खोलना होगा और उस पर आपको सर्च करना है remove.bg। इस वेबसाइट की मदद से आप किसी भी फ़ोटो के बैकग्राउंड को आसानी से चेंज कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक फ़ोटो ले लेते हैं और इसको आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डन पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका बैकग्राउंड पूरी तरह से टोटली चेंज हो जाता है। और आपको इसके बाद नीचे में एक डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आपको वहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करके इस इमेज को आपको डाउनलोड कर लेना है। और इसी तरह से आपको एक और इमेज, दूसरा फ़ोटो ले लेना है जिसको आपको एडिट करना है, ऐड करना है साथ में। तो हम यहाँ पे इसे देख सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड पूरी तरह से रिमूव हो चुका है बिना किसी बैकग्राउंड इरेजर ऐप के बिना। और यह बहुत ही जल्दी हो जाता है, बहुत ही फास्ट काम करता है इस वेबसाइट पे। और फिर से आपको दोबारा सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको दोबारा से एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है, दूसरा वाला। तो हम यहाँ पर जल्दी से फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका बैकग्राउंड हम इरेज कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यह ओरिजिनल फ़ोटो है और इसका बैकग्राउंड यहाँ पर इरेज हो चुका है। तो अब बैकग्राउंड इरेज करने के बाद आप फिर से इसे डाउनलोड कर लेते हैं। और दोनों को डाउनलोड करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगा, वो है PixArt। तो इस एप्लीकेशन का मतलब लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाकर के उसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे अब ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद आपको एक बैकग्राउंड अच्छा सा सेलेक्ट कर लेना है जिस पर आपको दो फोटो को ऐड करना है। तो हमने यहाँ पर एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया है और हम इसको क्रॉप कर लेते हैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपको जितना भी इसका साइज़ रखना है उसको आपको क्रॉप कर लेना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और यहाँ से आप दोनों फ़ोटो को ले लें जिसका बैकग्राउंड आपने इरेज किया है। और उसके बाद आप यहाँ पे आकर के आसानी से एक मिनट में फ़ोटो को ऐड कर सकते हैं, वो भी एकदम काफ़ी अच्छे तरीके से, एकदम काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दो फ़ोटो दिख रहा है आपको, जो मैंने अभी बनाया है और ऐड किया है, या एकदम ओरिजिनल फ़ोटो लग रहा है, या कहीं से नहीं दिख रहा है कि ऐड किया हुआ फ़ोटो है। तो इस तरीके से आप इस वेबसाइट पर जाकर के बिना किसी ऐप को डाउनलोड किए हुए, ना ही आपको कोई बैकग्राउंड रिमूवर डाउनलोड करना होगा, ना ही कोई ऐप, और बिना किसी ऐप को डाउनलोड किए हुए बैकग्राउंड को रिमूव करके फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं और दो फोटो को ऐड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप यहाँ से इस फ़ोटो को आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस ट्रिक की मदद से फ़ोटो को ऐड कर सकते हैं, और वो भी काफ़ी कम समय में। तो बस आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यह बहुत ईजी प्रोसेस है, इस प्रोसेस से आप एक मिनट में बहुत सारा फोटो एडिट कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में।